हिमाचल प्रदेश में 286 शिक्षण संस्थान बंद। शिक्षा मंत्री बोले, राजनीतिक मंशा से जयराम सरकार ने खोले थे स्कूल। स्कूलों में नहीं था एक भी बच्चे का दाखिला। हिमाचल के 3154 स्कूलों में केवल एक ही अध्यापक। 455 स्कूल चल रहे थे डेप्यूटेशन अध्यापकों के सहारे। भविष्य में और भी स्कूलों को बंद करेगी सरकार। शिक्षा विभाग ने बनाए नए पैरामीटर। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरके हिमाचल न्यूज। मैं रमन राणा हाजिर हूं दिन भर की कुछ ताजा खबरों के साथ। हिमाचल प्रदेश में बिना बच्चों के 286 स्कूलों को बंद कर दिया गया है, जबकि आने वाले वक्त में कम बच्चों वाले और भी स्कूलों को बंद करने की तैयारी की जा रही है। हिमाचल प्रदेश में कुल 18,000 से ज़्यादा स्कूल हैं, इनमें से 15,000 से ज़्यादा स्कूल सरकारी हैं। सरकार ने पूर्व भाजपा सरकार पर चुनावों से पहले संस्थानों को खोलने के आरोप लगाए हैं। शिक्षा मंत्री ने शिमला में प्रेस वार्ता कर स्कूलों को बंद करने की जानकारी पत्रकारों के साथ साझा की है। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने बताया कि भाजपा सरकार ने चुनावों से ठीक 6 महीने पहले 314 शिक्षण संस्थान खोल दिए थे, जिनमें 23 कॉलेज भी शामिल हैं, लेकिन इनमें भी 65 विद्यार्थियों वाले कॉलेजों को बंद नहीं किया जाएगा। शिक्षा विभाग ने फिलहाल 286 स्कूलों को बंद करने का निर्णय लिया है, जिनमें पिछले 1-2 वर्षों से एक भी दाखिला नहीं था। इसके अलावा शिक्षा विभाग ने 10 प्राथमिक में, 20 हाई स्कूल में, वरिष्ठ माध्यमिक में 25 तथा कॉलेजों में 65 विद्यार्थियों का फार्मूला तय किया है। इनमें से कम संख्या वाले शिक्षण संस्थानों को सरकार बंद करेगी। इसके अलावा शिक्षा मंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में 12,000 के आसपास शिक्षकों के भी पद खाली हैं, जिन्हें भरने की प्रक्रिया जल्द पूरी कर ली जाएगी। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में 3154 स्कूल ऐसे हैं जहाँ पर केवल एक ही शिक्षक है, और 455 स्कूल ऐसे हैं जहां दूसरे स्कूलों से डेप्यूटेशन के आधार पर अध्यापक लगाए गए हैं। भविष्य में सरकार इन स्कूलों और अध्यापकों को लेकर भी निर्णय लेगी, जिसके अंतर्गत हिमाचल में लगभग 6,000 संस्थानों पर तलवार लटक चुकी है। ये पहले चरण में जो लगभग आपके 0 इनरोलमेंट वाले 286 स्कूल थे, जहाँ पर एक भी बच्चा नहीं था, एक भी विद्यार्थी था, एक भी स्टूडेंट था, वो बंद किए गए हैं। और उसमें लगभग कोई 228 आपके प्राथमिक पाठशालाएं हैं और 56 आपके मिडिल स्कूल्स थे। वो स्कूल है जहां पर एक भी बच्चा नहीं था, और पिछले सरकार के समय से ये जीरो इनरोलमेंट के बावजूद ये स्कूल चले थे। इन्हें आपके डी नोटिफाई किया जाएगा। इसी तरह से 314 स्कूल्स इन्होंने इलेक्शन से 3-4 महीने पहले खोले थे, उसमें भी हमने एक मापदंड बनाया है। और इसमें भी आप जानते हैं कि चुनाव को मात्र कुछ महीने शेष रह गए थे, अंत में इन्होंने ये घोषणाएं की, नोटिफिकेशनें की, और उसमें भी हमने एक मापदंड रखा है, एक लिबरल मापदंड रखा है। जैसे आमतौर पे जो हमारा शिक्षा विभाग है उसमें जो पैरामीटर रखे प्राथमिक पाठशाला के, वो 25 बच्चों के होते हैं। हमने उसमें 10 बच्चों की संख्या रखी है। जो भी आपके प्राइमरी स्कूल्स होंगे जहां पर 10 बच्चे से अधिक हमारे स्टूडेंट्स हैं, वो फंक्शनल रहेंगे। यही आंकड़ा हमने हाई स्कूल का, जहां ने आपके एजुकेशन डिपार्टमेंट के पैरामीटर के अनुसार 40 के ऊपर की संख्या होनी चाहिए, हमने 20 का रखा है हाई स्कूल के लिए। और सीनियर सेकेंडरी स्कूल के लिए आपका एजुकेशन डिपार्टमेंट का जो मापदंड है वो 60 बच्चों का, हमने 25 बच्चों का रखा है। जहां भी इससे अधिक संख्या के हमारे बच्चे होंगे वो सारे स्कूल आपके फंक्शनल रहेंगे। और इसी तरह से जहां 314 स्कूल आपके नोटिफाई हुए थे, 23 आपके कॉलेजेस भी हुए थे, इसमें भी हमने 65 जहां पर 65 बच्चों से ऊपर हमारे स्टूडेंट्स होंगे, ये सभी आपके विद्यालय और महाविद्यालय फंक्शनल रहेंगे। ये मैं समझता हूँ सारी बातें झूठ का पुलिंदा है, और राजनीतिक रूप से हमारे विपक्ष के साथ इस तरह की बातें उठा रही है। और मेरा तो ये भी उनसे आह्वान है, अगर ये कितने करने वाले होते तो समय रहते 2017 को के अंत में उनको जनादेश मिल चुका था, वो अपना कार्यक्रम प्रारंभ करते। उनके पास सिर्फ एक कोविड का बहाना है, उसको लेकर ये हर बात पे अंकुश लगा लेते हैं। और चुनाव से मात्र 3-4 महीने पहले इन्होंने पूरे हिमाचल प्रदेश में 920 से अधिक आपके संस्थान खोले। शिक्षा विभाग का आंकड़ा मैंने आपके समक्ष रख लिया। बिजली बोर्ड शांता कुमार जी 1990 मुख्यमंत्री बने थे, उसके उपरांत से लेके मैं समझता हूँ वीरभद्र सिंह जी के अंतिम 17 के अंत तक लगभग कोई 5 आपके बिजली बोर्ड के दफ्तर पूरे हिमाचल प्रदेश में खोले थे। जयराम जी ने सारे रिकॉर्ड को तोड़ते हुए 33 कार्यालय आपके बिजली बोर्ड, इसमें लगभग आप समझ सकते हैं कि 1800 करोड़ का घाटा है, 10,000 से ऊपर रिक्तियां पड़ी है,
तो ये सब मैं समझता हूँ पॉलिटिकल डिसीजंस थे और जनता जनार्दन इन सब बातों को नकारा है, कांग्रेस पार्टी को जनादेश दिया है और हम आने वाले 5 वर्ष में निश्चित रूप से हर क्षेत्र में, चाहे शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, हम निश्चित रूप से रचनात्मक मैं समझता हूँ योगदान देंगे। धन्यवाद। बिल्कुल 3154 ऐसे स्कूल है जहाँ पर आपके सिंगल टीचर स्कूल है, 455 ऐसे स्कूल है जहाँ पर मैं समझता हूँ आपके डेप्टेशन के माध्यम से दूसरे विद्यालय से वो आपके स्कूल चले हैं। आने वाले समय में हमारा यही प्रयास रहेगा कि युक्तिकरण के माध्यम से, रैशनलाइजेशन के माध्यम से, जहाँ टीचरों का अभाव है वहाँ पर, जहाँ पर सरप्लस टीचर, उदाहरण के तौर पे आपने पढ़ा हुआ अखबार में रामपुर का उदाहरण आपके समक्ष है, ननखरी में एक हमारा माध्यमिक पाठशाला थी जहाँ पर 2 बच्चे है, 5 टीचर थे, एक ने रिटायरमेंट शायद पिछले महीने, और वर्तमान में भी 4 टीचर है। तो जहां पर भी सरप्लस टीचर होंगे उन क्षेत्रों में जाएंगे, उन स्कूलों में जाएंगे जहां पर आपका टीचरों का अभाव है। धन्यवाद।